दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बताया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना को संज्ञान में लिया, वो इस मामले पर सख्त कार्यवाही करेंगी। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। सोमवार को ही दिल्ली पुलिस ने भी बयान जारी कर कहा था कि स्वाति मालीवाल सिविल लाइन्स थाने आई थी और सीएम हाउस में सीएम केजरीवाल के पर्सनल स्टाफ के एक सदस्य पर मारपीट का आरोप लगाया था। हालांकि स्वाति मालीवाल ने अब तक इस मामले में लिखित शिकायत नहीं की है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के बाद ही मामले की जांच आगे बढ़ेगी। सुबह 9:34 बजे के आसपास एक पीसीआर कॉल आई थी जिसमें लेडी कॉलर ने कहा था कि उनके साथ सीएम हाउस के अंदर मारपिटाई हुई है। इसके बाद लोकल पुलिस ने इस कॉल पर रेस्पॉन्ड किया। कुछ देर बाद एमपी मैडम स्वाति मालीवाल जी पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स आई, जहां से वो बिना कंप्लेंट दिए चली गई। इस मामले में अभी तक हमें कोई रिटर्न कंप्लेंट। आइए अब सबसे पहले जानते हैं कि विभव कुमार कौन है जिन पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के आरोप लगे हैं। विभव कुमार और अरविंद केजरीवाल की दोस्ती कई साल पुरानी है। विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल का करीबी माना जाता है। विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड माना जाता है। बताया जाता है कि केजरीवाल का डेली रूटीन भी विभव ही डिसाइड करते हैं। विभव से केजरीवाल की नजदीकी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब दिल्ली के कथित शराब घोटाले में केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे, तब उन्होंने जेल प्रशासन को उन 6 लोगों की एक सूची दी थी जिनसे वो मिलना चाहते हैं। इस लिस्ट में विभव कुमार का नाम भी था। द प्रिंट की एक रिपोर्ट बताती है कि विभव कुमार और अरविंद केजरीवाल कई सालों से एक साथ काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक मैगजीन निकालती थी। इस मैगजीन के लिए विभव ही वीडियो एडिट किया करते थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन वही संस्था है जिसने 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था। अब स्वाति मालीवाल के मारपीट के आरोपों के बाद मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को स्वाति मालीवाल के एक्स पति नवीन जयहिंद ने सीएम केजरीवाल के आवास पर हुई पिटाई के मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये सिर्फ लीपा पोती है और अच्छी तरह उसको पता, संजय सिंह को पहले इस घटना का पता था कि ये होगी। उसको अब पूरा पता है क्या क्या हुआ है। ये सब झूठा एक्टिंग कर रहा है, वो एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं कर रहा, ये और कुछ नहीं है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी इस मामले को भुनाने की पूरी कोशिश में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि सिंह के बयान के आधार पर पुलिस को तत्काल प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और दोषियों पर तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए। बीजेपी ने मालीवाल की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि घटना के बाद राज्यसभा सांसद से संपर्क नहीं किया गया है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने कहा कि 50 घंटे से अधिक समय के बाद संजय सिंह का स्वाति मालीवाल के आवास पर जाना साबित करता है कि पार्टी उन पर चुप रहने या FIR दर्ज करने के बजाय अपनी कहानी बदलने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। मानिए कि अगर एक मुख्यमंत्री के सामने ऐसी घटना हो रही है या उनके शह पर ऐसी घटना हो रही है, तो आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता कितना बड़ा खतरा है महिलाओं के लिए दिल्ली में, आज इसी से स्पष्ट होता है। वहीं इस मामले में ताजा अपडेट ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार के खिलाफ शिकायत पर विवाद के बीच
आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बुधवार को राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के आवास पर गए। स्वाति मालीवाल से मुलाकात के दौरान संजय सिंह के साथ दिल्ली महिला आयोग की सदस्य वंदना सिंह भी। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद बनने से पहले स्वाति दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख के पद पर कार्यरत थी। खैर, इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी बेशक बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही हो, लेकिन इस पूरे मामले पर स्वाति मालीवाल की चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है।